नमस्कार, हमारे इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। जापान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और जो उम्मीदें वो लेकर गए हैं, क्या वो पूरी होने वाली हैं? टेक्नोलॉजी, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुरू से ही जोर रहा है, क्या वो भारत आ पाएगी? बुलेट ट्रेन का सपना जो भारतीयों को केंद्र सरकार की तरफ से दिखाया गया है, क्या उसे पूरा करने में नरेंद्र मोदी कामयाब हो पाएंगे? और क्या कुछ भारत को मिलने वाला है इस जापान यात्रा से, इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले एक आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का जापान दौरा भारत के भविष्य में नई इबादत लिख सकता है। पीएम मोदी की ये पहली उपमहाद्वीप के बाहर यात्रा है। मोदी अपने जापान के दौरे की शुरुआत क्योटो से कर रहे हैं। क्योटो में जापान के पीएम शिंजो अबे ने उनका स्वागत किया। ये जापान के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जापान के पीएम ने दूसरे देशों के पीएम का स्वागत किया है। जापान यात्रा के दौरान जापान के साथ कारोबारी समझौते के साथ साथ नागरिक परमाणु करार पर भी हस्ताक्षर हो सकते हैं। प्रधानमंत्री के एजेंडे में क्या क्या? बुलेट ट्रेन समझौता, क्योटो में मोदी जापान के हाई स्पीड रेलवे को देखेंगे। पीएम भारत में बुलेट ट्रेन चलाने की बात कह चुके हैं। नागरिक परमाणु करार, इस दौरे पर जापान के साथ नागरिक परमाणु करार मुमकिन है। हालांकि लगभग 3.5 सालों की चर्चा के बावजूद अभी भी कुछ पेच है। यूएस 2 एम्फिबियन एयरक्राफ्ट, जापान से 15 जहाजों की डील की बात हो रही है, जिसमें से 3 हम खरीदेंगे और 12 खुद बनाएंगे। हवा और पानी में चलने वाले ऐसे जहाज की तकनीक में जापान बहुत आगे है। मैरीटाइम समझौता, मोदी की यात्रा के दौरान भारत और जापान की नौसेना के साझा अभ्यास पर भी फैसला मुमकिन है। दरअसल भारत जापान में रक्षा क्षेत्र में मजबूत साझेदारी चीन के दबदबे को कम करने में निर्णायक साबित हो सकती है। सुदर्शन न्यूज के लिए मोहित शर्मा की रिपोर्ट। तो किन किन मायनों में जापान की इस यात्रा को अहम समझा जा सकता है और क्या कुछ भारत को मिलने वाला है इस जापान यात्रा से? नरेंद्र मोदी जिन महत्वाकांक्षाओं के साथ जापान की यात्रा पर गए हैं, क्या वो पूरी होने वाली है? इतना महत्वपूर्ण जापान आखिर क्यों है, इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। मेरे साथ इस वक्त अशोक गोयल साहब बीजेपी की तरफ से हैं और अनूप पांडे साहब भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। पहले गोयल साहब, आप ये शुरुआत करना चाहता हूँ, अगर महत्वाकांक्षाओं की बात की जाए, जिन चीज़ों का लगातार जिक्र होता रहा है, खासकर टेक्नोलॉजी का, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है और जापान अपनी टेक्नोलॉजी के लिए ही जाना जाता है, तो क्या माना जाए कि इस यात्रा से वो जो ध्येय हैं, वो जो अपेक्षाएँ हैं, वो पूरी होंगी? देखिए, ये बात एकदम ठीक है कि विश्व भर में जापान का तकनीकी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा एक प्रगति उसने की है और एक छाप है। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी की ये जो यात्रा है, भारत को स्वावलंबी भारत, भारत को स्वाभिमानी भारत और भारत को विश्व में सर्वश्रेष्ठ भारत, ये बनाने का जो उनका सपना है, और जापान जाकर जिस तरीके से हमारे यहाँ बिजली का उत्पादन बढ़ सके, परमाणु करार हो, हम बिजली में पूरा तरीके से विद्युत परियोजनाओं को हम इतना बढ़ा सकें कि पूरे भारत में 24 घंटे हम बिजली दे सकें, अनेकों प्रकार की ऐसी योजनाएं, चाहे बुलेट ट्रेन का सपना है, चाहे भारत में एक आदर्श जैसे अभी समझ में आ रहा है, आज जैसे पता लगा है कि वाराणसी को एक स्मार्ट सिटी के रूप में, और वाराणसी का ऐतिहासिक महत्व है। वाराणसी इस देश के अंदर पूरे भारत के एक ऐसे स्थान का नाम है जो हर तरीके से हम लोग मानते हैं कि उद्योग के क्षेत्र में, साड़ी निर्माण के क्षेत्र में, वहाँ गरीब जुलाहा किस तरीके से हाथ से हैंडलूम पर साड़ी बुनता है, जितना बड़ा व्यवसाय वहाँ से साड़ी का पूरे देश भर में, ठीक, जब कहीं जरूरत होती है तो सारी बनारस से पूर्ति होती है। हाँ। बनारस की साड़ी से हाँ। एक दुल्हन सस्ती है, ठीक। तो वहाँ जो मुस्लिम कारीगर है, एक ऐसा गरीब कारीगर है, बिल्कुल समझा जा सकता है कि स्मार्ट सिटी के तौर पर अगर वाराणसी को विकसित किया जाता है तो सांस्कृतिक विरासत जो है भारत की, उसे भी कहीं ना कहीं बल मिलेगा। हाँ, बिल्कुल, गरीब से गरीब व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचेगी। बिल्कुल, अनु पांडे साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। अगर स्मार्ट सिटीज की बात की जाती है, जो बीजेपी ने अपने एजेंडे में भी शामिल की थी, तो मानते हैं कि आपकी कहीं ना कहीं जापान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो शुरुआत कर दी है? देखिए, ऐसा है कि इन लोगों के कहनी और कथनी में हमेशा से अंतर आया है।
ये लोग केवल जनता को सब्जबाग दिखाते हैं। मैं कोई प्रधानमंत्री जी की यात्रा की आलोचना और समालोचना नहीं कर रहा हूँ। इनसे पूछिए सज्जन जी से कि उत्तर प्रदेश में, अभी इनको बनारस की याद आ रही है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितने साल रही है? क्या कभी उन जुलाहा, उन गरीब लोगों की जो साड़ी बुनकर बनाते हैं, कभी ख्याल आया? क्या उन गरीब लोगों के विषय में इन लोगों ने कभी सोचा? आज ये गए हैं जापान तो उन्होंने उनके लिए क्या किया? मसला वो नहीं है, हम इंटरनेशनल एजेंडे की बात कर लेते हैं। अनूप साहब, अगर यहाँ स्मार्ट सिटीज की बात की जा रही है, नहीं बिल्कुल पूरी तरीके से निराशा के दौर में चल रहे हैं और इस तरह की बातें, अनर्गल बातें करना इनकी परंपरा बन गई है, पहले से करते चले हैं। अभी निराशा के दौर में तो पूरी भारतीय जनता पार्टी चल रही है। अभी जो चुनाव हुआ तो जनता ने आपको निराशा के दौर में पहुंचाना शुरू कर दिया। राजनीतिक परिस्थितियों से अलग हटकर हम इंटरनेशनल एजेंडे की बात कर लेते हैं, ठीक है अनूप साहब? ठीक है गोयल साहब, हम इंटरनेशनल एजेंडे की बात कर लेते हैं। आखिर हमारा इंटरनेशनल एजेंडा किस ओर बीजेपी या केंद्र सरकार लेकर जाना चाहती है, एनडीए सरकार लेकर जाना चाहती है? अनूप साहब, वापस आना चाहता हूं अपने उसी सवाल पर, क्या हम स्मार्ट सिटीज की ओर आगे बढ़ रहे हैं? मैं जवाब दे रहा हूं, बिल्कुल। इनका जो इंटरनेशनल एजेंडा है और जो पिछली सरकारों का इंटरनेशनल एजेंडा था, उसमें कोई अंतर है क्या? क्या भारत के प्रधानमंत्री इनके पहले जो होते थे, क्या दुनिया और देश के दौरे पर नहीं जाते थे और भारत को डेवलपमेंट करना नहीं चाहते थे? इनसे बेहतर ढंग से करना चाहते। इतना वक्त फिर नेपाल यात्रा में 17-18 साल लग जाते हैं? ठीक है अनूप साहब, तो सवाल यही है कि अगर नेपाल यात्रा जो हमारे पड़ोस में है उसकी यात्रा करने में 17-18 साल लग जाते हैं, न्यूक्लियर डील जो जापान से होनी है वो पिछले 3-4 सालों से लंबित पड़ी हुई है, तो सवाल ये उठता है, तो आखिर अगर विदेश नीति हमारी इतनी सशक्त थी तो क्या पाकिस्तान की तरफ हमने उतने सख्त कदम उठाए? क्या नेपाल के साथ हमारे संबंध बने और जापान की ओर क्या हमने सही कदम उठाए? ये तो 10 साल से तो प्रधानमंत्री नाम की संस्था ही देश में नहीं थी, ऐसा लगता ही नहीं था कि कोई प्रधानमंत्री नाम का कोई पद भी जो है भारत के अंदर है, प्रधानमंत्री का पता ही नहीं था। ऐसा 10 साल के अंदर समय बीता है, गैप हुआ है, भारत की जनता को पीछे धकेला गया है, भारत के विकास को पीछे धकेला गया है। हाँ। लेकिन विषय यह है जापान यात्रा का। ठीक है अनूप जी, जवाब दीजिए। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इसमें संघ भी है, बजरंग दल है, मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ इसलिए मुझे गर्व है अपनी पार्टी पर। सुनिए मुझे गर्व है अपनी पार्टी पर। सुनिए इसमें नहीं, आपको गर्व रहे, हर आदमी को अपने पार्टी पे गर्व है और ममता बनर्जी को भी अपनी पार्टी पे गर्व है, तो तमिलनाडु में भी हर आदमी को अपने पे गर्व होता है। अपराधी अपराध करता है उसमें भी उसको गर्व होता है, मालूम है, मुझे मालूम है। कितने अपराधी आपके छाए तले पलते रहे हैं, कितने लोगों को मंत्री रहते हुए जेल में जाना पड़ा, मुझे मालूम है। तो कोई अपराध राजनीतिक आक्षेप से आगे बढ़कर हम राजनीति के, देखिए सुनिए बिल्कुल बोलिए। ये इंटरनेशनल एजेंडे की बात हो रही है और इंटरनेशनल, देखिए मैंने शुरू में ही कहा, हमारे बड़े भाई साहब को शायद नहीं सुनाई दिया, कि कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर रहता है और इंटरनेशनल मुद्दे पर वो कहीं जाता है तो पूरा देश उसके साथ है, उसमें कांग्रेस पार्टी भी है और सारे, अगर कोई विकास की बात होती है तो कांग्रेस पार्टी आगे बढ़कर के हाथ मिलाती है और स्वागत करती है। लेकिन ढिढोरा पीटना और एडवांस बोलना, अभी पाकिस्तान से क्या हाल हुआ? पाकिस्तान बड़ा हद कर दिया, पाकिस्तान ये कर दिया। जब इलेक्शन हो रहे थे तो हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी, जो भावी प्रधानमंत्री, पहले ही प्रधानमंत्री घोषित हो गए थे, घूम घूम सर ला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कांग्रेस में कोई प्रधानमंत्री है ही नहीं, इनकी विदेश नीति गलत है और आज देश इनसे सवाल पूछ रहा है। नहीं, ये चर्चा, ठीक है बिल्कुल, नहीं ये चर्चा कहीं और जा रही है अनूप साहब। ये तमाम चीजें क्या यूपीए के शासनकाल के वक्त नहीं है? आप पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, आप तमाम चीजों को हमने बता दिया कि तुम्हारी औकात क्या है, अगर वो कहीं कुछ किसी प्रकार की कई हरकत करेंगे तो मुंहतोड़ जवाब, मुंहतोड़ जवाब हमारे सैनिकों ने दिया है। तुम्हारी हिम्मत नहीं थी कांग्रेस के शासन के समय भारत का मनोबल गिराने का काम किया, ये विषय नहीं है। बिल्कुल विषय पे आ जाइए, जापान पर विषय आ जाइए कि देश को एयरक्राफ्ट की तकनीक आ रही है, विषय पे आ जाइए, देश को विद्युत में स्वावलंबी बनाया जा रहा है। वाजपेयी जी थे, ठीक है, तो मनोबल तो हमने गिराया, स्वस्थ होनी चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो मनोबल तो कांग्रेस ने गिराया और वही फोर्स तोप नहीं रहता तो आपकी क्या हाल होती? चर्चा पर वापस आते, घर में घुस जाते पाकिस्तानी आके। ठीक है अनूप साहब,
हमारी चर्चा का विषय ये नहीं है कि राजनीतिक परिपेक्ष में भारत के बीच कांग्रेस और बीजेपी के बीच क्या कुछ चल रहा है। सवाल ये है कि इंटरनेशनल एजेंडा जो जापान के साथ अब भारत बनाना चाहता है उसमें प्रधानमंत्री कितने कामयाब हो पाएंगे, भारत के साथ जापान के रिश्ते कितने आगे बढ़ेंगे, क्या ये नया दौर है। वापस आऊंगा आपके पास, अब मैं आपसे आपके पास आना चाहता हूँ अशोक साहब, क्या अब इसे एक नया दौर कहा जाए और एक नए दौर की शुरुआत माना जाए, और जिस परमाणु संधि की मैंने अभी कुछ देर पहले बात की वो क्या इंटरनेशनल एजेंडे में और प्रमुखता में नरेंद्र मोदी के रहने वाला है इस बार? जी आपसे मेरा ये कहना है कि भारत में जो बिजली का उत्पादन है, विद्युत का उत्पादन है, उसको लगभग जोड़े से ज़्यादा करने की नरेंद्र मोदी जी की योजना है। नरेंद्र मोदी जी देश को विद्युत के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर और 24 घंटे विद्युत हम लोगों को दे सके ऐसा चाहते हैं, और उसी परिकल्पना के अंतर्गत ये परमाणु समझौता निश्चित रूप से देश को लाभान्वित करेगा। और दूसरा जो एयरक्राफ्ट का जो समझौता सामने आया है, 15 एयरक्राफ्ट का समझौता हुआ है, बहुत बड़ी देखने वाली ये बात है कि उनमें से हम 3 तो मंगाएंगे लेकिन 12 अपने यहाँ मंगाएंगे बनाएंगे। तो इसका मतलब तकनीक आ रही है, हम अपने यहाँ एयरक्राफ्ट बनाएंगे तो निश्चित रूप से इस देश को स्वावलंबी बनाने की दिशा में सार्थक प्रयास आदरणीय मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। मोदी जी अभी जैसे बनारस की बात आई, मेरे भाई तो कुछ ना कुछ कहते कहना चाहिए उन्हें, उनको कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सुनने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बनारस की बात आई, बनारस में आम जिस तरीके के उस बनारस जी उनका चुनाव क्षेत्र है, हर प्रधानमंत्री ये चाहेगा कि मेरे चुनाव क्षेत्र में एक इतना बड़ा विकास हो कि लोग देखें, तो उनका जो परिकल्पना है उसके उनकी जो परिकल्पना है, नरेंद्र मोदी का चुनावी क्षेत्र है या फिर काशी की सांस्कृतिक विरासत के लिए इम्पोर्टेंस है, क्वेटा वहाँ का बहुत पुराना शहर है, क्वेटा वो गए हैं, तो जो अगर कोई अच्छी चीज कहीं किसी देश में दूसरे देश में है उस तकनीक को हमारे लोग जाके समझें, हमारे उद्योगपति वहां जाके समझें, हम उनसे देखें कि उन्होंने अपने छोटे से देश को किस तरीके से अपनी टेक्निक के माध्यम से पूरे विश्व में अपने को स्थापित किया, तो निश्चित रूप से मोदी जी का प्रयास है। और जापान चूंकि हमारी साझा सांस्कृतिक विरासत भी है, वो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं और बौद्ध धर्म का हम मानते हैं कि भाई महात्मा बुद्ध भारत से क्या नाम जो है उनका कार्य क्षेत्र शुरू हुआ, तो निश्चित रूप से दोनों देशों में फिर हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, चुनौती जहाँ पाकिस्तान की मामूली चुनौती है वहाँ चाइना की भी चुनौती बड़ी चुनौती है। और जो ये ठीक ये जो हमारी यात्रा है इस संदर्भ में भी देखे जाने चाहिए कि जापान और भारत के संबंध जितने अच्छे होंगे। न्यूक्लियर डील की अगर अभी बात हो रही थी, जिस तरीके से अशोक जी बता रहे हैं कि अगर न्यूक्लियर डील होती है तो कितना फायदा यहाँ पर हो सकता है, तो पिछले 3 सालों से इस पर कहीं ना कहीं काम चल रहा है, आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है? देखिए ऐसा है कि ये न्यूक्लियर परमाणु करार तो भारत ने बहुत पहले ही कर रखा और इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी अडिग थे, आपने देखा होगा, और बड़े मुश्किल से भारतीय जनता पार्टी ने इस पर सपोर्ट किया था सदन में। और ये नहीं, परमाणु करार भारत ने जब संसद में ये तय किया कि हम परमाणु से बिजली बनाएंगे, हम बिजली में आत्मनिर्भर भारत को करेंगे, ये आज का संकल्प नहीं है, इस पर काम हो रहा है और ये एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत जापान हमारा स्वाभाविक मित्र है, मित्र राष्ट्र है, तो इस पर कहीं कोई मेरा बहस नहीं है। लेकिन कहने का मतलब यह है, हमारा जरा सा थोड़ा सा कहने का मतलब है, हमारी कोई आलोचना नहीं है कि प्रधानमंत्री जी कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी सबके देश के प्रधानमंत्री हैं, और अगर भारत की भलाई के लिए कोई भी पार्टी की सरकार हो अगर अच्छा होता तो उसमें सारी पार्टियों को मिलकर सहयोग करना चाहिए विकास के सवाल पर, हमारा कहीं कोई इनसे मतभेद कोई विरोध कोई इस पर आलोचना नहीं है, लेकिन हमारा सिर्फ ये सवाल है कि सिर्फ कह देने मात्र से ही वो चीजें खत्म नहीं हो जाती। जी ठीक है अशोक साहब, यहाँ पर मेरी बात चलिए ठीक है बिल्कुल आक्षेप पर नहीं जाते हैं, सीधी सीधी बात करते हैं अशोक जी, ठीक है। ये जो पूरा इस पूरी जो यात्रा की अगर मैं बात करूं, इसमें बुलेट ट्रेन को भी खासी अहमियत दी जा रही है। अशोक साहब, अगर यहाँ पर बुलेट ट्रेन को जिस तरीके से महत्व रेल बजट में दिया गया था, प्रधानमंत्री अपनी रेल यात्रा के दौरान अपनी जापान यात्रा के दौरान भी देने वाले हैं इसको इम्पोर्टेंस? देखिए बुलेट ट्रेन आदरणीय मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो इस कार्य को जितनी जल्द हो सकता है शुरू करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं भारत के उद्योगपति भी काफ़ी उनके बड़ी संख्या में उनके साथ गए हैं,
और बुलेट ट्रेन निश्चित रूप से भारत में यदि आती है तो भारत बुलेट ट्रेन बनाने वालों में एक विश्व में एक पंक्ति में खड़ा हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका भी अभी तक बुलेट ट्रेन में अमेरिका में भी चालू नहीं हुई है। और मुझे लगता है कि बुलेट ट्रेन का जो इतिहास वहाँ का जापान का मुझे पता लगा है कि वो दो मिनट भी लेट भी नहीं होती, एक बहुत ही आश्चर्यजनक बहुत 1800-1500-1700 किलोमीटर की दूरी 5-6-7 घंटे-8 घंटे में पूरी होगी, 250 किलोमीटर की लगभग रफ्तार से चलने वाली ट्रेन एक भारत की जनता के लिए तोहफा होगा, जिससे आधुनिक भारत के निर्माण में या परिकल्पना में हमारे युवाओं को कहीं ना कहीं उनका मनोबल भी बढ़ेगा, देश का मनोबल बढ़ेगा और ये बहुत ही अच्छा। अनूप साहब, क्या बुलेट ट्रेन से या बुलेट ट्रेन के चलाने से आधुनिक भारत का विकास किया जा सकता है या आधुनिक भारत का निर्माण किया जा सकता है? अनूप साहब देखिए, ऐसा है कि एक बार अटल जी इंडिया को साइनिंग की तरफ ले जा रहे थे कि भारत चमक रहा है, मतलब गरीबों की कोई बात ना हो, डीजल की कोई बात ना हो, बेरोजगारी की कोई बात ना हो, भारत में इतनी अमीरी और इतनी गरीबी रोज समय इसकी कोई बात ना हो, तो बुलेट ट्रेन चलेगी तो ये होगा। देखिए, बुलेट ट्रेन का मसला जापान की यात्रा से जुड़ा हुआ है। आप अगर पेट्रोल डीजल पे जाते हैं तो उस पर चर्चा कर लीजिए, आप अगर किसी और चीज पर जाते हैं सबका साथ और सबका विकास पर जाते हैं तो उस पर चर्चा कर लीजिए, करेगी एक साल बाद आपसे जनता चर्चा करेगी तो फिर शांत हो जाएगी, दो साल बाद आपसे गाँव के लोग चर्चा करेंगे और 5 साल बाद चर्चा आपकी बंद हो जाएगी। आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करो, ये देश हम चिंता इतिहास बनाने जा रहा है, आपकी जनता करेगी। अशोक जी सुन लेते हैं जी, अनुप साहब जवाब दीजिए, तो आपका हाई है, इससे बड़ा इतिहास क्या हो सकता है? चलिए ठीक है, जवाब देखिए, ऐसा है कि इस समय देश को जिस चीज की जरूरत है, जिस चीज की देश को इस समय जरूरत है उस पर अगर बहस हो और हमारे प्रधानमंत्री महोदय अगर उस पर काम हो तो उसमें पूरे देशवासी इनके साथ है। लेकिन एक अलग अलग तरीके से कि हम ये करेंगे, करें कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन गरीबों के लिए भी कुछ बात होनी चाहिए, किसानों की समस्याओं के निदान की कोई बात होनी चाहिए। सिर्फ घोषणा करने से, एक ही दिन में 1.5 करोड़ गरीब लोगों के खाते खुले बैंक में, उनको एक लाख रुपए खाता खुलवाने से पहले मनरेगा में खाता खुला है, उनके 1 लाख हर गरीब के घर में रोटी पहुंचाने का काम कांग्रेस ने किया है। सही, आप रोटी की बात कर रहे हैं, हम उनको स्वावलंबी बनाने की बात कर रहे हैं, रोटी तो निश्चित रूप से वो खाएंगे ही खाएंगे और अच्छी और बेहतर स्थिति में खाएंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि 1 लाख रुपया उनको बीमा योजना के लाभ, एक सामाजिक सुरक्षा गरीब से गरीब व्यक्ति को मिली है, हम गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए चिंतित हैं, यहाँ का अनाज जो आप खेतों में सड़ा देते थे उसको भंडारण की योजना हम लेकर आ रहे हैं। अभी आप देखिए तो सही, इस देश को कैसे स्वर्णिम भारत, विश्व में अग्रणी भारत लगाने का, बनाने का जो हमारा संकल्प है, ठीक, आप करते रहिए, कहते रहिए, जनता ने आपको मुंह तोड़ जवाब दिया है, फिर देगी। ठीक है अनूप साहब, बिल्कुल दिया है, बिल्कुल दिया है, और जनता आपको मुंह तोड़ जवाब अब देने जा रही है। चलिए ठीक है अशोक साहब, ठीक है, हम बार बार आप लोग उस चर्चा को घुमा फिरा कर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ले जा रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग जापान की जो यात्रा नरेंद्र मोदी की चल रही है उस पर ज्यादा बात करें, आप दोनों की से ही मेरी गुजारिश है, स्ट्रेटेजिक महत्व की बात कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल 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 साहब, कैसे बात करूं प्रधानमंत्री जी जापान यात्रा पर? ठीक है, चलिए ठीक है, स्ट्रेटेजिक महत्व की बात कर लेते हैं। अशोक साहब, यहाँ पर जापान शासन में बढ़ता अगर अगर बिल्कुल अनुता है, ठीक है, आप जनता को भड़काते हैं। अशोक साहब, अगर यहाँ पर स्ट्रेटेजिक महत्व की बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, अगर किसी विदेश यात्रा पर, इनकी पहली विदेश यात्रा है जो द्विपक्षीय है, तो जापान को पहले उस पर चुनना, ये क्या सिर्फ स्ट्रेटेजिक है या जिस तरीके से लगातार सोशल मीडिया में भी और चल रहा है लगातार कि नरेंद्र मोदी से पहले भी जापान की यात्रा कर चुके हैं जो प्रधानमंत्री हैं जापान के, वो भी उन्हें काफ़ी पसंद करते हैं, ट्विटर पर एक दूसरे के साथ वो कमेंट्स भी करते हैं, तो क्या ये सिर्फ स्ट्रेटेजिक है या फिर इसका कोई अपना महत्व अलग है? नरेंद्र मोदी जी की यात्रा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय हितों के लिए। हमारी चिंता आम आदमी की है कि उसे विद्युत मिले, हमारी चिंता इस देश के अंदर लघु उद्योगों के जाल की है ताकि चाइना के माल का दबाव हम पर कम हो, हमारी चिंता इस देश के तकनीकी विकास की है, और हमारी चिंता इस देश को सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की है। ये सारी चिंताओं को लेकर
आदरणीय मोदी जी का दौरा जो ये चल रहा है पूरी तरीके से सफलता की ओर बढ़ रहा है और किसी प्रकार की इसमें राजनीतिक वो देखी नहीं जानी चाहिए और वो अपने साथ में व्यापार की तकनीक को वहाँ की देखने के लिए वहाँ के आईटी क्षेत्र में उन्होंने क्या विकास किया है उद्योगपतियों का चैनल भी लेके गए हैं, काफ़ी लोग बड़ी संख्या में वहाँ गए हैं। तो इस देश को एक फिर वही बात, आम आदमी के सपनों का भारत, आम आदमी कब संतुष्ट होगा कब खुश होगा, जब इस देश में किसान कृषि इसके हम रख रखाव ठीक ढंग से कर सकेंगे, किसानों को जो है विद्युत पूरे समय मिल सकेगी, सिंचाई का हमारा साधन ठीक होगा, सिंचाई के लिए हमें बिजली की कमी नहीं पड़ेगी, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लघु उद्योगों को बिजली पूरी मिल सकेगी। जो पूरा एक सेटअप देश का बिगड़ा हुआ है उसके विकास की गति जो ठप एक बार हो गई थी उसको पुनः पटरी पर लाने का भी आपने देखा होगा, कोशिश प्रधानमंत्री कर रहे हैं। बिल्कुल, मैंने अखबार में पढ़ा था आर्थिक विकास दर भी 1% बढ़ी है। तो ये समझना होगा कि मोदी जी इस देश के लिए जो सोचते हैं, इस भारत के गरीब के लिए, पिछड़े से पिछड़े, दलित से दलित, एक गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए जो सोचते हैं वो करने की मुद्रा में है और आगे अगर स्ट्रेटेजिकली जापान को पहले चुना जाता है तो क्या इसकी तारीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी के आधार पर जापान सबसे आगे है और इस वक्त अगर हमें किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है तो टेक्नोलॉजी की। देखिए, मैं इस यात्रा की आलोचना नहीं करना चाहता, इंटरनेशनल मुद्दा है, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि देश के गरीबों के लिए काम होना चाहिए। ठीक है, और गरीबों की चिंता जैसे कि ये बता रहे थे, ये हम भी कह मेरा ये मानना है कि मोदी जी को चंद मुट्ठी भर उद्योगपतियों की चिंता है, मोदी जी को चंद लोगों की चिंता है, मोदी जी को उद्योगपति चारों तरफ से घेरे चंद भ्रष्टाचारियों की चिंता की है कांग्रेस ने, देश के आर्थिक संसाधनों को बेचने का काम किया है कांग्रेस ने, वो गलत ट्रैक पे चले जाते हैं तो मुझे ये बात कहनी पड़ती है। आप झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो आपने आपने अपने शब्दों में सुधार कीजिए, झूठ वाला शब्द जो है, झूठ वाला शब्द कांग्रेस की श्रेणी में आता होगा, मेरे पास नहीं है। सरकारी अपने शब्दों को सुधार कीजिए, ये झूठ का शब्द वापस लीजिए, ये झूठ का शब्द वापस लीजिए, बिल्कुल उचित नहीं है। बेचा गया नहीं, इस तरह की बातें ठीक नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, झूठ मत बोलिए, मैं फिर वही आप गलत शब्द बोले जा रहे हैं, झूठ मत बोलिए, मैं इस तरह की भाषा नहीं सुनना चाहता, मैं कहना चाहता हूँ देश में भ्रष्टाचार की, ठीक है, आर्थिक संसाधनों की लूट की, न जमीन के नीचे छोड़ा गया, न जमीन पे छोड़ा गया, न आसमान में छोड़ा गया, आपने एक विभाग देश को दोनों हाथों से लूटा गया, सरकारी संपत्ति और प्रमोद महाजन जी, स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी समझौता करके दिल्ली में भी कई संपत्ति बेचे भारत सरकार की। देखिए, ठीक है, ये मसला कहां जा, जब जब इस देश में जिस स्टेट में आप आए हैं, मुझे ज्यादा कुछ कहना नहीं है, ठीक है, बेचा वो बात, वो तमाम बातें ठीक है, आप लोग एक दूसरे पर टीका टिप्पणी से बेहतर है कि हम जो आज का मुद्दा है उस पर बात करें, 125 करोड़ ठीक है देश के नेता अनुज साहब, हम आज के मुद्दे पर बात करते हैं, जो आज का मुद्दा है, मोदी जी अपने दिल में, चलिए ठीक है, मोदी जी जीते बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ये बात ठीक है, मैं दोनों की बातें एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बीजेपी ने जीत हासिल की है और ठीक है, बीजेपी जीती है, कांग्रेस हारी है, सबको पता है, ये मुद्दा आज का नहीं है, मैं बार बार इस बात की गुजारिश आप दोनों से कर रहा हूँ। अनूप साहब, आखिरी ठीक है, अनूप साहब क्या आपसे आखिरी कमेंट आपसे मैं जानना चाहता हूँ, ठीक है अनूप साहब, आज जो स्ट्रेटेजिकली नरेंद्र मोदी की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं जापान को लेकर, या जो तमाम मुद्दे वहां पर वो तमाम समझौतों को करने गए हैं, उसमें आपके हिसाब से प्रमुखता किसे मिलनी चाहिए? देखिए, मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि स्वाभाविक रूप से जो भी इस देश का प्रधानमंत्री होगा वो अपने देश की तरक्की के लिए जाएगा ही, चाहे जो भी प्रधानमंत्री हो, अगर माननीय मोदी जी गए हैं तो उनका स्वागत है, गए हैं उनका स्वागत है, और वहां जा करके हमारे देश में बेरोजगारी कैसे मिटेगी, किसानों की समस्याओं का समाधान कैसे होगा, अगर ये योजना ले आते हैं करते हैं तो उनका स्वागत है, और धीरे धीरे सारी समस्या, ठीक है, उम्मीद यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक्सपेक्टेशंस लोगों ने उनसे की हैं और जापान से जो एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं उसे पूरा करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जापान से क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर आते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।
है।